जय गुरुदेव। रूठे हुए अपने प्यारों को मनाना अत्यंत आवश्यक है। आज के इस टोटके उपाय में आप किस तरह अपने प्रिय रूठे हुओं को मना सकते हैं, उसकी बड़ी ही सरल विधि आपको बताई जा रही है। इसमें आपको केवल दो वस्तुओं की जरूरत है, एक कपूर और दूसरा साबूदाना। जी हाँ, साबूदाने के 12 दाने और एक कपूर की टिक्की। ये क्रिया आप हर बृहस्पतिवार यानी थर्सडे को करें। एक नियम में रखकर हर थर्सडे को बृहस्पतिवार को आप ये करेंगे। उसके बाद जब आपको जाना है, यानी कि आपको अगर थर्सडे को ही जाना है, बृहस्पतिवार को ही जाना है वीरवार को, तो उस क्रिया के बाद कुछ अलग करने की जरूरत नहीं है। अगर किसी और दिन आपको अपने रूठे हुए प्रिय को मनाने जाना है तो आप उस दिन भी ये क्रिया करें, बस अदरवाइज बृहस्पतिवार को ही करें। आप पूजा के समय दीपक प्रज्वलित करते हैं, अपनी पूजा ध्यान जो भी करते हैं, उसके बाद एक मिट्टी का छोटा सा दीपक आता है वो ले लीजिए, उसमें साबूदाने के 12 दाने रखें, एक कपूर की टिक्की। अब कपूर को उसमें रख दिया, अब एक बाती बना लीजिए, उसमें उसको आप घी या सरसों के तेल दोनों में से किसी में भी डुबो सकते हैं, यानी कि गीला कर सकते हैं। दीपक भी आप जिस चीज का भी लगाते हैं लगाएं। उसके बाद उस जो बाती बनाई है उससे आप दीपक से पर अग्नि लेकर और वो कपूर पे छोड़नी है। ये छोटी सी क्रिया करनी है। जब कपूर प्रज्वलित होगा और साथ में साबूदाने के दाने जलेंगे तो उसमें आपको अपने संकल्प का ध्यान रखना है। आपका संकल्प जो आपके अपने प्रिय है, जो आपसे रूठा हुआ है, उसके लिए रहेगा कि उसका नाम लेके आप मन ही मन ये कहेंगे कि वो आपकी बात को मान जाए। उसके मन में जो आपके प्रति गलत फहमी या नफरत पैदा हुई है वो हमेशा के लिए दूर हो जाए। ये संकल्प करके आप जब तक वो साबूदाना और कपूर जलेगा तब तक आप ये संकल्प करते रहेंगे। इसके बाद आपने जो भी अपनी तैयारी की है उसे मनाने की, जैसा भी कुछ किया है, उसके लिए आप उस अपने कार्य के लिए निकल जाएं। बड़े ही चमत्कारिक रूप से आपका वो अपना प्रिय मान जाएगा, रूठा हुआ होगा तो वो आपसे प्रसन्न हो जाएगा और आगे से हमेशा आपके साथ रहेगा। इस छोटी सी क्रिया को करके आप अपने बीच की दूरियों को मिटा सकते हैं। जय गुरुदेव।